जाने। अरे सन देवी ना, देवी है वो तो तुरंत ते संत हर ते ज्ञानी हर तुम तो तोर पार लग कुलों का सके इधर ही ना लड़ाई लगा था तो बहुत बड़े मकान ओगरे हाथ जोड़ जोड़ निकल पीछे हट। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सोना खान, ये देखिए जोग नदी वाली जो ब्रिज आपको दिखाया था ना उसको अपन क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अरे अरे सुना रानी कहो जोग नदी फिरोजपुरी धाम की जोग नदी घाट किनारे हम लोग ने हाथ बंद धोया वहाँ पे और बहुत अच्छी स्टोरी बताई विलस ने। और आगे और जा रहे हैं कि ऐतिहासिक जगह में वो भी जुड़ी हुई है गुरु घासीदास बाबा जी के जीवन कथा आप देख सकते हो आज पर। अभी भी यहाँ तिनको के रूप में सोना मिलता है क्योंकि ये सोना खान है। सही हाँ नहीं सही बात है, सही बात है। यहाँ जैसे यहाँ पानी छानबे ना अभी एकदम तिनका ग्रुप में कहीं ना कहीं तो सोना मिल गई है कांवर के पुराना जितना भी है रिंग जो भोरी से जो राजा रीस ना वो पूरा खाना का सोना इसने एरिया में। धरती दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह का स्मारक सोना खान की धरती है और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हम भी जाएंगे। अभी आगे उनका स्टैचू बना मंदिर के आगे और एक शहीद स्मारक बना बड़ा सा मंदिर के शेप में। ठीक है, तो इधर से अपन आए और करीब वही 10 किलोमीटर के आसपास पड़ गया है गिरौदपुरी धाम से। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा एक बसाहट है सोना खान, किराना दुकान भी है यहाँ पास में जैसे कुछ सामान खरीदना है। तो अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं स्मारक में। ठीक है, ये अच्छा भव्य बनाया ये जो स्मारक है और शहीद वीर नारायण सिंह जो यहाँ के राजा थे सोना खान के उनकी एक बहुत ही अच्छी स्टैचू बनी हुई है उनके घोड़े के साथ। और इसका अनावरण किया था माननीय भूपेश बघेल जी ने, है ना। ठीक है, काफी बड़ा स्मारक बना है। और यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह जी का एक संग्रहालय भी बना है जैसे देख सकते हो सामने, यहाँ भी अपन जाएंगे। आइए पहले स्मारक को चारों तरफ से घूम लेते हैं। तो स्मारक एक बड़े से मंदिर के एक गुंबद जैसा बना है और चारों तरफ छोटे छोटे और गुंबद हैं ऐसे इस साइज़ के, दिख रहा होगा आपको। और छोटा सा स्टोरी बताएगा अपना दोस्त विनस इससे जुड़ी, जो पीछे समय के जो शासन काल थे उनसे वे बहुत लड़े ब्रिटिश शासन काल से जिनसे उन पर उनका खान था जिसको इसमें पूरा धन दौलत सोना चांदी जो भी है ये मोती सभी को वह स्टोर करके रखते थे के द्वारा हासिल किए गए उनके संघर्षों के द्वारा हासिल किए गए जितने भी धन दौलत थे वे सभी चीज़ों को यहाँ अपने दरबार में ला के रखते थे। ये देखिए शहीद वीर नारायण सिंह जी का ये संग्रहालय है जैसे उनका जो शहीद स्मारक है ना उसी के पीछे बना है। आइए आप इंटर करके आपको दिखाते हैं। हो गया, देख सकते हैं ना पूरा। अच्छा जूता उतार दें, चलिए ठीक है ठीक है, चलिए आपको लेके चलते हैं संग्रहालय में। ये देखा, लेकिन हम पहले जब आए थे तब ये सब चीज़ नहीं था। हाँ नहीं था ये सब चीज़, कुछ भी नहीं था, वो तो भाई वो मठ बना था बस, बाकी ये सब चीज़ आप संग्रहालय में जैसे आप इंटर करोगे ना यहाँ पे एक स्टैचू मिलेगी शहीद वीर नारायण सिंह की जो कि एक बड़े से ग्लास के एक रूम में बंद है। ठीक है, देख सकते हो। आइए और देखते हैं आगे और यहाँ पे इनका जीवन परिचय लिखा बड़े से बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में जैसे देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा जीवन परिचय दिखा देता हूँ। ठीक है, कि इन्होंने अपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है, ब्रिटिश शासन से कैसे वो लड़े
और क्यों उनको फांसी दी गई, ये सारी चीज़ें निरंतर संघर्ष करते हुए, जैसे कि देख सकते हैं भूपेश जी द्वारा यहाँ पे इसका अनावरण किया गया था। सोना खान के जमींदार श्री राम राय का जन्म। अच्छा, तो मतलब इनके जो जीवन शैली इसको पूरा स्टोरी के रूप में दिखाया गया है ना, जी जी, पूरा पेंटिंग्स के रूप में। आइए देखते हैं बारी बारी से, चारों तरफ जैसे देख सकते हो पेंटिंग्स लगी हुई है। जो पेंटिंग है श्री विजयन सिंह जी पहले, ये देखिए शहीद वीर नारायण सिंह की, कैसे उन्होंने तलवार लिया हो अभी, मतलब इसने रात रिश्ते रियल के ये तगड़ा है। हालांकि काल्पनिक है सुना, और जो किला है ना देखो वो पूरा धस गया पता है वहाँ पे, तो हंस पहाड़ ऊपर जा रहा था। हाँ हाँ, तो वो पूरा धस गया, कुछ कुछ हंस बस दिखते हो भाई। हाँ, पूरा ना अगर जो खान है ना उन्होंने दब गया पूरा जाने, लेकिन वो कोई पता नहीं है कहाँ है वो खाना थे। तो संग्रहालय के चारों तरफ ना इनकी पेंटिंग्स है, और हर एक पेंटिंग्स में उनके द्वारा जो कार्य किए गए ना उनको दर्शाया गया है, और कहाँ कहाँ पर उनकी, ये देखिए जैसे कि देख सकते हो इसमें पेंटिंग्स है मूर्ति के रूप में बना हुआ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये खत बड़ा सा, ये उनकी फांसी का आदेश है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वीर नारायण सिंह के दादा फतेह नारायण सिंह ने तत्कालीन भोसले शासन के विरुद्ध में संघर्ष किया था ना। तो इस स्टोरी को आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये जो दिख रहा है आपको लेटर ना, ये उनका फांसी का आदेश दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, देख सकते हो। ये देख जय स्तंभ चौक देखते थे, ये देखिए दोस्तों ये जय स्तंभ चौक है अपने रायपुर के गोल बाज़ार के और मोहदा पारा के ठीक बीचों बीच है, और यहीं पे अपने जो वीर नारायण सिंह है ना उनको फांसी दी गई थी, इसलिए इसको शहीद वीर नारायण सिंह चौक भी बोलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में ऐसा हुआ था है ना, उन्हीं के नामांकन में ये स्टेडियम, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी यहाँ पे पिक्चर टंगा हुआ है, और सदा में है जो कि 2008 में बना था है ना, वो स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया, ये स्टेडियम भी उन्हीं के नाम पे है शहीद वीर नारायण सिंह। तो काफ़ी अच्छा बना इनका संग्रहालय, और विनस बता रहा था कि जब ये पहले आए थे तो ये सब कुछ नहीं बना था ना यार, जी नहीं सब अभी अभी हुआ, ये देखिए 5 साल 5 या 7 साल पहले आया, हाँ तभी सब नहीं बना था ना, कुछ भी नहीं बना था, काफ़ी बढ़िया संग्रहालय बना है। ये देखिए वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति बनी है बहुत ही अच्छी स्टैचू, देख आ रहे ये बात, कुछ अलग ही पिक्चर दिखा यार देखने, डाक टिकट है मतलब यहाँ। अच्छा, तो उनकी शहादत को सम्मान देते हुए डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा, देखिए 10 दिसंबर 1987। तो इस संग्रहालय में काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी पुरानी जुड़ी हुई चीज़ें हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी से, जो उनके शासनकाल में हुई है, और आखिर में ये पेंटिंग्स हैं उनके मठ की स्मृति की जो अभी आपने देखी होगी सामने, ठीक है। और ये यहाँ की इंचार्ज है, यहाँ की देख रेख देखते हैं, फिर भी कितना टाइम होगा भैया इसको बने, 2017 में बना है पूरा कंप्लीट है ना, और ऐसे लागत वागत क्या होगी ये सब पता है नहीं मतलब, आप यहाँ मतलब देखते हो पूरा फुल टाइम इसको, नाइट में कोई और आता होगा नहीं, नहीं, फिर भी कितने बजे तक चलता है खुला रहता है, सवेरे 7 से शाम 7 सवेरे 6 से शाम 7 बजे तक ना। तो थैंक यू भैया ने बताया ये सवेरे 6 से शाम 7 बजे तक ही खुला रहता है, और 2017 में बना था और काफ़ी अच्छा बना यार, मेरे को मतलब एक्सपेक्ट नहीं था, मेरे को लगा था खाली यहाँ पे अपन मठ देखेंगे, संग्रहालय देखने का एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को है ना यार, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया इसको, आप भी आइए घूमिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और इनकी पूरी जीवन शैली को ना पूरा चारों तरफ दीवारों में पेंटिंग से दर्शाया गया है। हमने संग्रहालय देख लिया ठीक है, और जस्ट स्मारक के बाजू में एक छोटा सा इधर कुछ तालाब जैसा बना है, छोटा सा पाउंड जैसे अभी बन रहे हैं, इसका काम भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरफ शायद इतनी जाते शायद देखो तीन लाए दे मंदिर जाने का रास्ता, छोटा सा तालाब जैसा कुछ बनाया है शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, या इसमें पानी नहीं भरा है देखिए सूखा पड़ा है, और इधर शायद मंदिर का रास्ता जाता है, और पीछे तो आपको सामने तो आपको दिख ही रहा होगा पहाड़ी है बड़ी सी, सोना खान जो महल धस गई से बोला सकते हैं, अरे यही जाते हैं सीढ़ी देखे ना, हाँ
देश तरफ से मंदिर ही से छोटे से नौकरी में लगे बेचारा। बाकी मोलक बहुत इंटरेस्टिंग थी इस जगह से, उनकी स्मृति के पीछे जस्ट पीछे छोटा सा एक और मठ जैसा कुछ बना है। यहाँ पे शंकर भगवान का त्रिशूल है, ठीक है, छोटा सा घर बना है देख सकते हो, और पीछे है पहाड़ी और जंगल। और विनस बता रहा है कि इधर से ही सोना खान का जो उनका क्या महल वहल ना, जो उनका राजघर था, किला महल जो भी बोलते हो, वो इधर से ही जाते हैं इन पहाड़ियों से। जो मेन खान था ना वही था। अच्छा वहीं पे है मतलब। हाँ। जो इसलिए इसको सोना खान बोलते हैं ना, क्योंकि अपने गर्भगृह में वो सोना रखते थे, है ना, जनता के लिए जो भी लाते थे वहीं पे रखते थे, इसलिए स्टोर करके रखते। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया जगह यार, अगर घूमने नहीं आया हो तो ज़रूर आओ, और आया हो ना तो और आओ, क्योंकि अभी इधर बहुत ही अच्छा संग्रहालय बना है ना। मेरे विनस बता रहा था कि वो भी संग्रहालय को पहली बार देख रहा है ना यार, इससे पहले नहीं बना था वो, मतलब जब ये आया था ना स्मारक बस बना था, घेरे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। बेड बना है यहाँ पे, और उधर है शायद स्कूल जैसा कुछ बना है सोना खान का, यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं जो सोना खान की जो एक्चुअल में जहाँ पे किला रहता था राजा का, वो जो ले जाता है मार्ग, ये वही मार्ग है ना यार, कुर्रुपाट मार्ग बोलते पहले, है ना, सीढ़िया जैसे दिख रही पहाड़ की ओर चढ़ी हुई है, इसको ही आप चढ़ के ना आप जाओगे तो आपको सोना खान का वो खान मिलेगा, ठीक है। और इस मार्ग को बोलते हैं कुर्रुपाट। मुझे नहीं पता था वहाँ पे एक मंदिर जैसा कुछ बना ना, शायद बाबा जी का मंदिर है वो, उसमें लिखा है कुर्रुपाट, ठीक है।